डे टू है इस ब्लॉग का। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा ट्रेन जर्नी हमारा पटना से आगरा तक का। तो अभी हम लोग होटल ले लिए हैं और होटल हमें काफ़ी सस्ता मिल गया है। अभी फ्रेश व्रेश होंगे और अभी जस्ट तो हम लोग मतलब आधा घंटा पहले है कि नहीं, वो छुपा हुआ है थोड़ा, समझ रहे हैं, नहा धोवा के आया है। अभी हम मैं भी फ्रेश हूँ और फिर अभी जाऊँगा आगरा घूमने। सो गाइस, अभी मैं फ्रेश हो चुका हूँ, तैयार हो चुका हूँ घूमने के लिए। तो अभी हम लोग ताजमहल को निकल रहे हैं, बस थोड़ा सामान पैक करना है। इस लौंडे को देखिए, सामान अभी पैक कर रहा है, मेरा भी थोड़ा सामान उमान है उधर, मैं अभी पैक करता हूँ आप लोगों से बात करने के बाद। तो मेनली अभी ताजमहल और रेड फोर्ट घूमना है, बाकी अभी नेट पर तो देखे हैं काफ़ी जगह है आगरा में घूमने के लिए, तो अगर टाइम बचता है तो आपको वो सब भी। अभी चले जाए ताजमहल। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं ताजमहल। अब सामने से यार ये लगता है ज्यादा अंदर है क्या ताजमहल, जाना पड़ेगा हम लोग को जहाँ से रहता है। हाँ, ये स्टार्टिंग का जो एरिया वॉक एरिया आप देखो गाइस, ये तो वॉक एरिया है, यहाँ से अंदर ताजमहल तो अभी दिख नहीं रहा था पता कुछ। नहीं नहीं नहीं, हमने ले लिया है। देखो गाइस, नहीं पता ये क्या सॉक्स टाइप कुछ दे रहे हैं कि अगर आप मतलब वहाँ शू वगैरह खोलते हो तो ये पहनना पड़ेगा आपको, खाली पैर वहाँ नहीं घूम सकते हो। अब नहीं पता ये बुरबक बना रहे हैं क्या बना रहे हैं, जाके पता चलेगा अंदर ही। बाकी इधर व्यू तो काफी अच्छा है, गार्डन वार्डन है। तो देखो मतलब मजा तो अभी देखते हैं आता है कि नहीं आता अंदर जाकर, अभी काफी दूर चलना है ऐसा लग रहा है। फिर रेड फोर्ट जाना है हम लोग ने टिकट ऑनलाइन बुक किया था ना, ऑनलाइन बुक किया और साइट तो पता नहीं, बस सर्च टिकटिंग एशिया टिकटिंग कुछ करके था, बस सर्च कर लिया हम लोग ताजमहल टिकट। सो गाइस, हम लोग कहाँ थे टिकट के बारे में आप लोगों को बता रहे थे। तो हम लोगों ने टिकट बुक किया ऑनलाइन, 45 रुपीज़ लगा पर पर्सन। अब देखिए अंदर में ऑनलाइन एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, एक्सेप्ट तो करना चाहिए, और फिर भी थोड़ा लग रहा है, नहीं करेगा तो क्या करेंगे, तुम ही बताओ, काटना तो पड़ेगा फिर देखा जाएगा ना, लेकिन एक्सेप्ट कर लेगा। धूप बहुत है, अभिषेक को फोन लगाइए, उन्होंने कहा था कि बारिश होगा इस दिन। और एक हमारा फ्रेंड है अभिषेक, वो बोला था कि बनौती है, बोल रहा था कि तुम लोग को जाने नहीं मिलेगा, टिकट कैंसिल, टिकट कंफर्म नहीं होगा, वेटिंग लिस्ट में था हम लोग का, और बोल रहा था कि अगर चले भी जाओगे तो बारिश होने लगेगा। तो अभिषेक भाई कहाँ हो, आज बहुत कड़ा धूप है, फिर भी हल्का मौसम बारिश जैसा किया रहता था और मजा आता घूमने में। बारिश का टाइमिंग दिखा रहा है कि 7 बजे के बाद बारिश होने का सीनरियो है, फिर भी अभी तक तो ताजमहल हम लोग को दिखा नहीं यार। यहाँ इधर जाना है हम लोगों को, हमें जाना है इस तरफ। किस तरफ? इस तरफ, इस तरफ जाना है। यहाँ पे समझिए पुलिस का बैरिगेटिंग है, तो मतलब जरूर है। और अगर आप चाय फैन है, अरे ये चश्मा क्या कर दी, अगर आप चाय फैन है यहाँ पे चाय पी सकते हैं, चैट एंड तो गाइस काफी भीड़ है, आपको लगता है कोरोना चल रहा है, लेकिन आप लोग मास्क पहने हो यार, हम लोग मास्क नहीं पहने, ये गलत चीज है। और हम लोग अब ताजमहल का आ गए हैं गेट पे। भाई टिकट कहाँ चेक करता है, अरे वहीं पे बारकोड स्कैनर होगा। तो गाइस हम लोग अंदर आ चुके हैं ताजमहल पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, और चेकिंग वगैरह हो रहा है, टिकट हम लोगों ने ऑनलाइन बुक किया था तो वहाँ स्कैन किए थे, चेकिंग तो काफी करी है। मेरा एयरपोर्ट निकलवाया, पर्स खोल के देखा कि पर्स के अंदर कुछ रखे हो कि नहीं, और ये हम आ चुके हैं ताजमहल में। ये अभिनव ने मुझे बुरक बनाया, मतलब बोला कि यही ताजमहल है, ऐसा बोला कि ये सब ताजमहल है, मतलब मैंने तो देखा है मार्बल का होता है ताजमहल व्हाइट कलर का, ये तो मुझे सब रेड रेड दिख रहा है यहाँ। आइए देखिए इस बंदर को, चलो लेंगे ना भाई, आते समय टेंशन क्लियर हो। अभी हम चल रहे हैं अंदर, लेट्स गो, अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। इस पे कहानी है, देखिए हमारे साथ एक गाइड है, पटना से मैं इस गाइड को लाया हूँ। राजा महाराजा को मतलब ऐसे मेन गेट बंद हो जाता था, हाँ। तो सैनिकों को एंट्री नहीं किया था ऐसे। अच्छा अच्छा, एक्चुअली मैं यहाँ देखो आप लोग कर लो टिकट वैलिड भाई, सुन लो 3 घंटे के लिए, और अगर आप ऑनलाइन टिकट निकाल टोकन यहाँ पे मिलता है, तो टोकन अगर आप खुआ दिए बाई मिस्टेक भी, तो जैसे आप देख सकते हैं ये सब रहने के लिए लोगों के लिए होगा यहाँ पर। हमारा आज अभिनव हमें घुमा रहा है एंट्री वगैरह, मत बोलना भाई कि वो ताजमहल है, इसके अंदर से जाए आपको ताजमहल दिखने वाला है। और जो ऊपर टॉम लगा है ना, टॉम जो ऊपर उस जो 1 2 3 4 5 वाला वो लगा है ना, हाँ। जो वो है क्या कि एक साल ऐसे ताजमहल को बनने को होता था तो एक रखाता था,
अच्छा मतलब वो टॉम जो है वो बता रहा है कि कितने साल में ताजमहल बना है। छोटे-छोटे टॉम है जुलाई में लगे हैं कतार में उसमें। तो अभी हम क्या करते हैं कि जैसा मुझे दिखा दो इधर भी क्या है और हम एक फोटो शूट कर रहे हैं। अभी धूप नहीं, अभी फोटो परफेक्ट आएगा। नहीं तो वही तो अभी धूप नहीं, अभी ताजमहल। हमारा पहला व्यू ताजमहल का, आपको मैं जूम करके दिखाता हूं। गाइस इंस्टा पे भी लाइव आते हैं अभी थोड़ा सा। ये देखो, कोई नहीं अभी तो अंदर से दिखाऊंगा आपको। इंस्टा पे लाइव आ जाएंगे? नहीं नहीं इंस्टा पे क्यों लाइव, हमारा यूट्यूब पे लाइव चलेगा। आप लोग का सपोर्ट रहा गाइस तो हम लोग यूट्यूब पे लाइव आएंगे। अब भीड़ वगैरह तो काफी है, मुझे लगा कि इतना सुबह का टाइम में भीड़ वगैरह रहेगा नहीं, तो यहाँ पे आया था फोटो खींचने का। ये हमारा गेट है क्या? यही ताजमहल का एंट्री गेट है, स्ट्रेट व्यू ताजमहल। यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से स्ट्रेट व्यू। अब देखो 3 2 1 देखो सीधा अंदर गेट आपको दिख रहा है। इस गेट आते क्या था ना, एक सीधा गेट आता है अंदर। देखो ये हमारा गेट है ताजमहल का, शाहजहां। अच्छा मुमताज के याद में ना। अच्छा अच्छा सुनो ना, हाँ भाई एक फोटो खींच लेते हैं, फोटो वगैरह खींच लेंगे पहले। चलो अंदर तक पहले व्लॉग बना लेते हैं फिर आराम से किसी में। धूप हो जाएगा फिर नहीं आएगा अच्छा फोटो, यार तो नहीं समझते। अरे भाई अभी धूप नहीं है, मैंने से चलो ना। और अभी ना बोल रहे थे कि कोई यहाँ DSLR वाला दिख नहीं रहा है, फोटो परेशान करने वाला कि फोटो सर फोटो लो। अभी ना देख लो काफ़ी है यहाँ पर सब। और भाई काफी बड़ा गेट है ब्रो, फॉरेनर सब दिख नहीं रहा है, मुझे लगा कि फॉरेनर लोग रहेंगे। ये है ताजमहल। और हम लोगों ने एंट्री मार लिया है ताजमहल में। यही है वो ताजमहल जो हम लोग पढ़ते थे अपने 4-5 बुक्स में, 8-7 हिस्ट्री के बुक्स में। देखो गाइस अभी और पास आपको ले जाऊंगा, फोन हीट हो जाएगा, बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक शटडाउन। यही तो है वीडियो में आप। ये है ताजमहल भाई, वो साइड साइड में क्या है दोनों? हाँ हाँ देखो ये मैं पटना से गाइड लाया हूँ, ऐसे पता ही नहीं है। उसका नहीं पूछे थे। तो यहाँ पर आपको क्लोज व्यू ताजमहल का, और पीछे शायद रिवर व्यू तो लग रहा है, रिवर बह रहा है उस साइड, लेकिन फिर भी आपको उतना मजा नहीं आएगा जब तक आप लाइव आके देखिएगा नहीं। ये हमारा इंडिया का प्राइड है। अरे भाई हम ये व्यू लगाए देखो, पीला पीला टोन और दिख रहा था। फोटोग्राफी सब चल रहा है गाइस यहां। जब मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है हम लोग फोटोग्राफी जरा फोटो वगैरह खिंचाते हैं फिर आपके साथ आते हैं। ये है यमुना, ये हमारे पीछे ताजमहल, और यहाँ पर आप यमुना का हालत देख सकते हो, पूरी काला पूरा काला हो चुका है। और नीचे देखो, मुझे फोन फेंक दो, फेंक दूंगा कोई दिक्कत नहीं है।
मेरा लॉस थोड़ी होगा। आपको सामने वो रेड फोर्ट दिख रहा होगा वहाँ पे, अभी हम लोग वहाँ भी जाएंगे, आप लोग को सब घुमाएंगे, बस आप देखते रहो। आपको मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ ताजमहल का भी। अंदर में फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, इसलिए हम लोगों ने वो सांझा और मुमताज का कब्र का वीडियो नहीं ले पाया। ये है टॉम्ब और यहाँ पे है सो गाइज, ये था हमारे आगरा का ताजमहल। आपको दिखाता हूँ फिर से, अब हम लोग निकल रहे हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन आगरा फोर्ट, जिसका ये व्लॉग बहुत जल्द आएगा। ये आगरा अब हम लोग निकल रहे हैं अपने ताजमहल से, आगरा से हम लोग निकलेंगे परसों, 3 बजे ट्रेन है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ का मैं व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर आप व्यू देख सकते हो, मुझे लगा पहले कि इतना बड़ा मतलब होगा नहीं, बस रोड से हमें ये ताजमहल दिखेगा, हमें बस अंदर जाना है बस, लेकिन काफ़ी चलना पड़ रहा है। अभी बाहर निकलने के लिए मेन रोड पर हमें काफ़ी चलना होगा। अंदर में हम लोगों ने से आपको बताया ही मुमताज और शाहजहाँ का कब्र देखा था, उसका 200 एक्स्ट्रा लगा जो ऑनलाइन मुझे पे करना पड़ा, क्योंकि ऑनलाइन ही होता है यहाँ। ऐसा नहीं कि आप कैश लेके आओगे और यहाँ आपको कैश लेके आपका टिकट दे देगा, आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। आपके पास पेटीएम गूगल पे कुछ होना चाहिए, तब तक आप कुछ व्यू का मजा ले लो।